आपने पूजा वाला ब्लॉग देखा होगा और एक और न्यू ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, देवघर से भागलपुर भी हम सोच रहे हैं हिचाइक करते हुए जाने का, तो तैयार हो गए हैं। अब बस थोड़ा सा मतलब सोचे चलो चलते हैं और उसके बाद फिर से लोगों से लिफ्ट मांगना शुरू करेंगे। और पिछला वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट वगैरह में बताएं आप लोग, और ये वाला वीडियो भी कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। वैसे वेलकम बैक टू द चैनल, होप्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिफ्ट मिल जानी चाहिए। ये वाला जो रोड है वो आगे जाके बाईपास में मिल जाता है, तो वहाँ पर से काफ़ी से रहेगा। और जो अंकल मिले थे वो मेरे को यहाँ पीछे छोड़ दिए थे, और ये अभी भैया मेरे को वहाँ, आप कहाँ तक जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो वहाँ तक छोड़ देंगे, फिर उसके आगे देखते हैं। बाईपास की ओर जा रहे हैं क्या? बाईपास की ओर जा रहे हैं? सेल्फी नहीं है, बाईपास तक कोई छोड़ देंगे हमको। सो ये लोग जा रहे थे और इन्हीं में से एक ने, चलिए मेरा भागलपुर, चलिए वाह क्या बात है। मतलब जिनके साथ अभी हम आ रहे थे वो लोग यहाँ पे भारत बंद करो जाम लगाने आए हैं, बताइए। ये तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा यार, जाम हम लग गया तो भारत बंद सुन रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा ऐसे तो। अभी क्या है, अभी ये जो बाईपास वाला रोड है इसी को बस पकड़े रहना है, और हम मतलब कटोरिया वगैरह होते हुए उधर अमरपुर वगैरह होते हुए हम पहुंच जाएंगे उधर। अब यहाँ देखो गजब ड्रामा है, देखो दो ट्रक को रुकवा दिया है, अब उधर से गाड़ी नहीं आएगा तो हम लिफ्ट किससे मांगेंगे। गजब हालत है यार। अब यहाँ पे ट्रक व्रक सब रुकवा दिया है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पर से किसी तरह मैं निकला, वहाँ पे एक अंकल जी मतलब आए और उनके पीछे मैं लद गया, लटक के किसी तरह मैं यहाँ पे आया हूँ। और सामने एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप के पास जाके हिचाइक करने में ज़्यादा सही रहेगा, आसानी रहेगा। वहाँ पर से ही करते हैं हिचाइक। सीरियल यार, जाम वाम कर दिया बताओ, पर हम भी जा जिए हैं, इसे थोड़े हार मानेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर भी यही सीन चल रहा है, पूरा एकदम लगे हुए हैं। ये बंदा तो, ये तो हाफ पेंट में आ गया है। पूरा फॉर्म में है ये लोग तो यार। तो वो जो थे वो भाई साहब यहीं तक जा रहे थे, उसके बाद फिर अब देखते हैं कैसे जाना है। काफ़ी दूर तक छोड़ दिए मेरे को, सही है, अब देखते हैं आगे कैसे जाना है आगे। तो मैं अभी तिलैया मोड़ के पास हूँ और यहाँ तक इन भाई साहब ने मुझे छोड़ दिया, ये जो पीछे बाइक पे। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन वेट फॉर इट, देखते हैं कोई आता है तो फिर जाया जाएगा, बाकी तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। लिफ्ट विफ्ट मांग रहे हैं, देखो कोई अगर रुक जाए, जो मिले सबसे लिफ्ट मांगो, कोई ना कोई तो रुकेगा, इसलिए चलो ये भी ठीक है। वो अभी हमें कटोरिया के चौक पे और ये वाला रास्ता जाता है भागलपुर, वो देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पे मिल जाना चाहिए लिफ्ट होप सो। और उधर कुछ पुलिस वाले मेरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे लग रहा है मीडिया कर्मी है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये बिल्कुल मेरे घर के तरफ जो गैस गोदाम है वहाँ तक जा रहे हैं, और
सही है, मतलब कटोरिया से सीधे अब मेरे को घर तक की, सही है, मैं मतलब कटोरिया से मेरे को घर तक की सीधे लिफ्ट मिल गई। हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो भाई साहब थे, ट्रक वाले भाई साहब थे, वो मिर्ज़ापुर का बात कर रहे थे, मतलब इधर एक मिर्ज़ापुर है बौंसी के साइड साइड। तो मैंने सुन लिया, मतलब मेरे गांव का नाम सुन लिया। अब मेरे को लगा कि वो मेरे घर तक जा रहे हैं, हम एक्साइटेड, पूरा एक्साइटेड कि चलो यार मेरे घर तक की मेरी लिफ्ट मिल गई। अब वो भी वहाँ टक 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 ट्रक में उतना हो रहा था, तो वो भी बढ़िया से नहीं सुने, हम भी बढ़िया से नहीं सुने। और अभी मेरे को, अब ये उधर से हम कितना बढ़िया, अगर अमरपुर होते हुए चले जाते तो अभी तक हम घर पहुंच जाते, बट हम आ गए वो बीच का जो रास्ता एक है उसको क्रॉस करके पुंसिया के पास। और अभी ये वाला रास्ता जो सामने देख रहे हो, ये वाला रास्ता जाता है बौंसी को और ये वाला रास्ता जाता है भागलपुर को। तो यहाँ से मेरे को और थोड़ा हिचाइक करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा एक्सटेंड होगा, देख लेना। एटलीस्ट वहाँ से आगे रजौन में आके रुके हैं और यहाँ पर से देखते हैं, अगर हिचाइक मिल जाता है तो बहुत सही है। कोई तो रुक जाओ यार, थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। नो वन इज टू हेल्प। अभी मेरे को एक भाई साहब मिले और ही वॉज अमेज टू सी अ हिचहाइकर इन बिहार। वो दिल्ली से थे, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे आ गए थे। तो सही है, अपना बिहार भी डेवलप कर रहा है गुरु। इतना ज़्यादा विलेज एरिया, उतना ज़्यादा मुश्किल हिचहाइकिंग में। इतने देर से हम यहाँ पे खड़े हैं बट मेरे को अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है। मतलब ऐसे लोग घूर रहे हैं ना, वैसे छोड़ क्या बोले, एक आ रहे हैं वहाँ से सामने से, पता नहीं लिफ्ट देंगे कि नहीं। कोई कोई तो ऐसे मुंडी हिलाते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं। चचा सीधे पास, आगे तक छोड़ देंगे भैया। हम तो उधर ही फंसे रह जाते बट सनहौला तक आ गए हैं। और ये पीछे जो भाई साहब हैं, ये मेरे को यहाँ तक छोड़ दिए। अब देखते हैं यहाँ से फिर भागलपुर तक चलते हैं, पास में ही, ज़्यादा दूर लगेगा नहीं। दिस जर्नी टोटली सक्ड अप मी। एंड वहाँ पर से मेरे को एक ट्रक वाले मिल गए जो मेरे को यहाँ बाईपास पे, भागलपुर बाईपास पे ड्रॉप कर दिए हैं। एंड देर इज़ अ ढाबा इन फ्रंट ऑफ मी नेम्ड एज बाईपास ढाबा, कुछ इधर पीछे इस साइड है। और यहाँ पर से अब चलना है मेरे को, वो वाला जो पुल है उसके उस पार जाना है। तो वहाँ पर से मेरा घर पास में ही है, तो चलते हैं। सो फाइनली आई एम एट माई किंगडम, एट माई पैलेस। ये मेरा छोटा सा घर, तो सही है। और बाद बाकी अभी इधर पूरा मैशअप है, सब कुछ निकला हुआ। इधर आए तो फटाक सके और बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा। ये दोनों शोल्डर मेरा दर्द कर रहा है। पिछले बार हम गए थे तो शोल्डर दर्द वगैरह नहीं कर रहा था, बट इस बार पता नहीं, शायद ऊपर नीचे हो गया था तो उसके कारण ये इधर ये वाला ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो अभी आराम वराम करेंगे तो सही हो जाएगा। तो वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आज भी हम वहाँ देवघर वाला जो था वो लाइव वगैरह किए थे वहाँ से, तो वो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।